नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और मेरा YouTube चैनल लाइफस्टाइल YouTube चैनल में फिर एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। IRCTC का ई टिकट कैंसिलेशन कैसे किया जाता है? IRCTC वेबसाइट में अगर आपने रेलवे टिकट बुक कर रख चुका है, किसी कारण से आपको अगर उसको कैंसिल करना है, वो कैसे किया जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, हम गूगल में चला जाते हैं और गूगल में चला जाके हम लिखते हैं IRCTC और ये जो IRCTC नेक्स्ट जेनरेशन ई टिकट, इसमें क्लिक कर देते हैं। अब ये IRCTC का पेज खुल गया, हम यहाँ पे यूजर ID डालेंगे और पासवर्ड डालते हैं और फिर ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जो लेटर्स दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे डालना है, फिर लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। अब हम IRCTC का अकाउंट के अंदर घुस चुका हूँ। अब हमें टिकट करना है कैंसिल। टिकट कैंसिल करने के लिए बुक टिकट हिस्ट्री के ऊपर ये क्लिक कर देते हैं, पहले सामने दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब इस पेज में हमारे को पूरा के पूरा जितना भी टिकट बुक हो चुका है रिसेंटली, उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हम यहाँ से चूज करना पड़ेगा कौन सा टिकट हमें कैंसिल करना है। फिलहाल मुझे ये वाला टिकट कैंसिल करना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिकंदराबाद से गुवाहाटी तक था, 5 नवंबर को जर्नी करना था, मुझे नहीं जाना है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं और ये कैंसिल ऑप्शन में, कैंसिल टिकट में क्लिक कर देते हैं। अब ये टिकट का किस किस के नाम पे था, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टिकट कहाँ से कहाँ तक था वो भी दिखाई दे रहा है। फिर हमें सिलेक्ट करना है कितना आदमी का टिकट कैंसिल करना है। मुझे 3 आदमी का टिकट कैंसिल करना है, इसलिए 3 सिलेक्ट कर लिया। आपको अगर 1 आदमी का टिकट कैंसिल करना है तो खाली 1 आदमी का सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं और तब बाकी दोनों टिकट वैलिड रहेगा आपको। अगर आपको 2 आदमी का टिकट कैंसिल करना है, एक साथ 3 आदमी का टिकट है, 2 आदमी का कैंसिल करना है, तो आप 2 का कर सकते हैं, जो कैंसिल नहीं करेगा उसी टिकट को लेकर वो जा सकते हैं। फिर हम कैंसिल टिकट में क्लिक कर देते हैं, 3 आदमी का क्लिक कैंसिल करना है, फिर एक ओके में दबा देते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पे आपका कैंसिलेशन आउटपुट दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए और अगर रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं लिख लीजिए। कैंसिलेशन ID ये है आपको, आपका जो कि टिकट का PNR नंबर यहाँ पे था और ट्रेन का नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक था, सिकंदराबाद से गुवाहाटी तक था, कितना रिफंड, कितना टिकट का दाम था वो दिखाई दे रहा है, कितना चार्ज कैंसिल चार्ज ले लिया वो दिखाई दे रहा है और ये 4905 मुझे वापस मिलेगा। ओके दोस्तों, ये था कैंसिल टिकट। अब हम फिर देखते हैं बुक टिकट हिस्ट्री में जाके क्या दिखाएगा इसमें। अभी बुक टिकट हिस्ट्री में अब हम देखते हैं जो टिकट कैंसिल किया क्या बोल के मैसेज आ रखा है। यहाँ पे देखिए कैंसिल्ड, रिजर्वेशन स्टेटस कैंसिल्ड, मतलब हमारा टिकट कैंसिल हो चुका है और 4-5 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो मैंने बताना जा रहा था आपको समझ में आए होंगे और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन को दबाइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।